सर, आपने 229 लिख दिया, वो हो चुका है। कितना कॉपी बनेगा? 230 होगा। मैंने कहा 26 कॉपी आज की कॉपी। देखो बोला क्या बाबू, सारे बच्चे को बता देते जी, शांति से सुनना। देखो जो नया बच्चा बाबू मेरे, उसका 2 घंटे 1.5 घंटे, जो नया बच्चा कमजोर है पढ़ने में, उसका एक क्लास होता है 3:30 से 4 में, तो इसके लिए एक कॉपी बनानी है वैष्णवदीप, है ना। आपकी क्लास होती है 8 से 9 होती है, तो इसके लिए एक कॉपी बनानी है, दो कॉपी हो गया। इसमें आपका साइंस भी है, क्या है? साइंस है, तो साइंस की एक कॉपी बनानी है ना, साइंस की एक कॉपी बनानी, तो टोटल 3 बनाइए, है ना बाबू। संडे को इंग्लिश की क्लास होती, तो उसकी पतली सी कॉपी एक बना लीजिए, एक इंग्लिश के लिए, एक कॉपी इंग्लिश की बाबू, है ना बोले, तो टोटल 4 कॉपी हो गया हर एक बच्चे के लिए बाबू, 4 कॉपी। सीधा सी बात है, जो पुराना वाला बच्चा वो सब जानता है बाबू, नए वाले के साथ समस्या। जितने भी बाबू नए वाले बच्चे उनको बाबू 1.5 घंटे की क्लास लग रही बोला। अब बहुत सारा बच्चा बाबू 7 के हैं। देखो हमारे यहाँ सिस्टम क्या बोला, आप किसी भी क्लास में पढ़ो। देखो क्या होता है एजुकेशन में, मान लो 7 में पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारा बच्चा 8 का भी है, अब 7 8 में पढ़ रहा है, ठीक। अब बाबू का बेसिक है गड़बड़, है ना, तो आप पूरे इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ोगे ना भोला, तो आपको क्या किया जाएगा, 7 8 का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सारे जगह यही होता है। अभी आपको बात समझ में नहीं आएगा लेकिन एक्चुअली यही होता है। लेकिन जिस बच्चे का बाबू -2 +2 -6 +2 ये सब गड़बड़ है, तो उसको हम लोग छोड़ते नहीं बाबू, उसको हम लोग एक्स्ट्रा में बुलाते हैं, ताकि बच्चा जो कमजोर बच्चा वो पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तभी आपका बाबू 8 9 10 निकल पाएगा, अदरवाइज बाबू कुछ निकले आने वाला है ना। तो इस बैच में बाबू 7 के भी बच्चे हैं, 8 के भी बच्चे हैं। अब नहीं बेसिक आता तो छोड़ नहीं ना सकते जी, स्कूल तो मेरा है नहीं बाबू, जैसे आप लोग के सारे इतना दिन से अत्याचार हो रहा, किस खाली फीस के लिए बाबू पढ़ाया जा रहा, तो इसमें 7 8 के भी बच्चे, लेकिन एक्चुअली बाबू ये जो क्लास है बोला 4 5 6 वाले बच्चों के लिए है ना, लेकिन आपको हम इतना पढ़ा देंगे बाबू, है ना, 4 5 6 वाले बच्चों को बाबू, कि आप 6 7 8 का भी क्वेश्चन बना लोगे, इतना आपको पढ़ा देंगे बाबू इस तरह से कि आपका बाबू है ना 4 में भी पढ़ोगे तो 7 7 का क्वेश्चन बना लोगे, अब आप 5 में पढ़ोगे तो 7 8 वाला बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नए विश्वास होता है जितना पढ़ाएं आप लोग, 7 8 का बुक खोल के देखेगा मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, ठीक, यही है। बाकी बाबू जो 7 8 का बच्चा है उसके लिए 7 से 8 क्लास है, जो बाबू 9 क्लास का बाबू बच्चा है उसके लिए 6 से 7 की क्लास है शाम को, जो क्लास 10 का बाबू आपके जस्ट बाद 9 से 10 है, है ना, जो 2 क्लास का बच्चा बाबू उसके लिए आ रहा है बाबू, नया बैच आ रहा है 2 1, है ना, 2 क्लास वालों के लिए, 3 क्लास वालों के लिए, तो सारे का क्लास वाइज अलग है ना। लेकिन दुख के बात है बाबू, इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे हो भोला, लेकिन बेसिक गड़बड़ है, तो जिसका बेसिक गड़बड़ है उसका ज्यादा क्लास लगता है, जिसका बेसिक ठीक है वो 1 घंटा करता है ना, 1 घंटे करता है, दिन भर ऐश करता है, यही है बोला सिस्टम, है ना। तो देखो बाबू हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं बाबू, है ना, जीतू भोला आर्यन बाबू अरब, SCF पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, SCF पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, SCF पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक, तो SCF पढ़ रहे हैं भोला, है ना बाबू, क्या पढ़ रहे हैं बाबू, SCF पढ़ रहे हैं। हाँ जी नहीं जी, नेक्स्ट बाबू, SCF का कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, देखो भोला, तो आपको बाबू डेली हम लोग क्या करते बाबू, 2 वर्ड मीनिंग लिखाते, शांति से सुनते चलना बाबू, अधीराज दीति, डेली 2 वर्ड मीनिंग लिखाते, क्यों सर, क्योंकि भोला वर्ड मीनिंग दे, आपको बाबू इंग्लिश अगर पढ़ना है तो 2 चीज स्ट्रांग होना है, एक वर्ड पावर बाबू, सेकेंड ग्रामर, अगर आपका बाबू 2 चीज अधित स्वरूप बाबू और बाबू तथागत भोला, 2 चीज अगर आपका स्ट्रांग है तो यह है ना बाबू, आप आसानी से इंग्लिश में बोल भी सकते हो और कहीं भी बाबू पैराग्राफ वगैरह लिखा हुआ है तो उसको समझ भी सकते हो। आपको इंग्लिश का पैराग्राफ क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि बाबू वर्ड पावर आपके पास नहीं है, आपके पास वर्ड पावर का कलेक्शन नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे सर, डेली दो दो वर्ड मीनिंग भी याद करते चलेंगे साथ साथ। और ये यूजलेस वर्ड नहीं है, ये कहीं ना कहीं कॉपी किताब डायरी से न्यूज़पेपर से ना कहीं से डेली कलेक्ट करते हैं, आपको लिखाते हैं, यूज होगा आपके लाइफ में, यूज होगा। तो वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, लेविड है और एग्जेम्पशंस है। ये क्या होता सर, लेविड मीन्स क्या होता है, वसूल करना, और एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है, छूट होता है। मतलब क्या सर, जैसे बाबू आप लोग के पापा जी बाबू सारे के पेरेंट्स बाबू है ना गवर्नमेंट सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपके पापा जी के सैलरी के अनुसार बाबू है ना बाबू, जैसे मान लो किसी के पापा जी का सैलरी 10% 10 लाख है पर मंथ है ना, एक साल में मान लो किसी का पापा जी का सैलरी बाबू 12 लाख रुपए हो सकते हैं पर है ना पर ईयर है ना, एक साल में कि नहीं पर ईयर। किसी के पापा जी का 7 लाख जाएगा, किसी के पापा जी का 5 लाख जाएगा, किसी के पापा जी का 200 लाख जाता। तो इस सैलरी के अनुसार बाबू सरकार बाबू आपके पापा जी से क्या करते हैं, टैक्स वसूल करते हैं, क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं है ना। तो ये जो वर्ड है बाबू टैक्स वाले पेज से लिया गया है, आप लोग जब टैक्स वाले पेज पढ़ोगे बोला तो वहां पे आपको आएगा समृद्ध भोला कि नहीं बाबू। अब मन से पढ़ते चलना बाबू, कहाँ गया मेरा भोला, जैसे वीडियो ऑन करो, उधर क्या कर रही हो जी मिठी। तो देखो भोला ये बाबू एक पेज है डायरी का, भोला ऊपर में क्या लिखा बाबू मेरे, शांति से समझना, इनकम टैक्स, क्या लिखा ला, इनकम टैक्स। तो यहीं पे बाबू एक वर्ड है भोला लेविड लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है, क्या लिखा बाबू, लेविड लिखा हुआ, और आगे कल लिखाएंगे टैक्स रेजिम लिखाएंगे, दिख रहा है जी, हाँ सर थोड़ा थोड़ा इधर करो कैमरा, कैमरा किधर है, इधर है जी, एक कैमरा नजदीक वाला फोकस करो भोला, चलो ठीक है। ये टैक्स रेजिम है और यहाँ पे एग्जेम्पशन है, क्या बोला नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, यही डायरी से लिया बाबू, ये टैक्स पेज वाला कैसे कैसे टैक्स लाइव है वो है ना ठीक है। तो एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है, जैसे एग्जेम्पशन मीन्स छूट होता है, क्या होता है भोला, छूट होता है ठीक। और लेविड मीन्स क्या होता है, वसूल करना, कैसे बाबू है ना, कैसे रंगदारी वसूल होता है, टैक्स भी एक तरह का क्या है, रंगदारी है बाबू है ना, हमको इतना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट हमको इतना टैक्स चाहिए तो चाहिए। तो यही है लेविड मीन्स क्या होता है, वसूल करना, एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है बाबू है ना, आरब आर्यन बाबू है ना, एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है, छूट होता है ठीक। ठीक सर इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे बाबू, अदिति उधर क्या मुंडी की हो जी, अब क्या पढ़ रहे थे बाबू जी, तू हम लोग SCF पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं दीप्तांशु, SCF पढ़ रहे हैं है ना, शांति से सुनते चलना। तो SCF निकालने के लिए बाबू क्या है भोला मेरा है ना, आपको बाबू SCF हम लोग कैसे सिखा रहे थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, कैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से है ना, जैसे क्या सर, जैसे फाइंड द SCF बोला है ना, तो दो मेथड से आपको बताए थे, एक शॉर्टकट बाबू फाइंड द बाबू SCF बाबू ऑफ भोला है ना ठीक। जैसे क्या रहेगा सर, मान लो 10 है सर, 24 है सर, अब मान लो कितना है 30 है, अब इसका कह रहा है SCF निकालने के लिए है ना, तो इसका SCF कह रहा बाबू, तो बच्चा मेरा डरेगा। हेलो सर जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर, पैसा सर आपका देखो बाबू, तो हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, SCF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका SCF कह रहा है, कैसे निकालेंगे सर, अब शांति से सुनना है भोला। तो SCF बाबू कैसे भोला, लॉन्ग आपको तीन चार मेथड बताएंगे, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, जो नया बच्चा उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, एक होता है भोला बाबू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक फैक्टर मेथड।
तो ये क्या बाबू, फाइंड द एलसीएम बाबू, बाबू कैसे बाबू, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे? बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, है ना? ठीक, देखो कैसे करोगे। दो मेथड बोला, एक तो शॉर्टकट साथ ही में बताते चलेंगे, जैसे सॉल्यूशन बोला। 10 है बाबू, 24 है बोला, और क्या है 30 है कि नहीं? हाँ सर, समझना। तो आपको एचसीएफ निकालने कह रहा है, कैसे निकालोगे? ऐसे करना, पहले जो छोटका उसको डिवाइड करो, ये दोनों का पहले एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ बाबू जब भी निकलेगा, तीन चार नंबर दे रहेंगे तो दो दो करके ही निकलेगा, एक बार में तीनों का हम लोग नहीं निकालेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में बोला दो दो करके ही निकलेगा। तो पहले एचसीएफ किसका निकालेंगे भोली? 10 और 24 का। तो जैसे लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग डिवाइड करते हो, बचपन में डिवीजन सीखो ना, वही चीज है, थोड़ा सा खाली अंतर है। क्या अंतर है सर? तो 10 का टेबल पढ़ो 24, इसका डिवीजन आता है ना, 10 का टेबल पर 24 लाइए, 2 टाइम में 20 होगा, 4 हो गया। बहुत सारा बच्चा होमवर्क दिए गलत किया। अब जो रिमाइंडर बच गया, आंख खोल के देखना है, 10 से कम है ना जो रिमाइंडर बच गया बाबू, वो 10 से कम है कि नहीं है? तो पुनः एक बार ऐसे खींचना और यहाँ वाला नंबर यहाँ लिखना बाबू, अदिति अधिराज, ये रिमाइंडर 4 बचा। ठीक सर, अब 4 जैसे बच जाएगा तो ये जो आपका बाबू डिवाइजर है इसको यहाँ लिखना, फिर 4 का टेबल पढ़ो 10 लाओ। बहुत सारा बच्चा मैक्सिमम गलत किया, 4 का टेबल पढ़ो 10 लाओ, कितने टाइम में? 2 टाइम में, है ना? 10 से कम लाना, सबट्रैक्ट करना, 10 में 8 जाएगा कितना? 2, है ना? ठीक सर, नेक्स्ट बोला। आप बाबू देखो यहाँ, बाबू यहाँ से कम हो गया आपका, ये जो 4 है, बोले सारे बच्चे ध्यान से देखेगा, 4 है बाबू, ये रिमाइंडर 2 कम हो गया। तो पुनः क्या करना, इस तरह से डिवाइड करना, 4 को यहाँ वाला, 2 को यहाँ वाला, 4 से 2 2 जा कितना? 4, रिमाइंडर 0। तो ये प्रोसेस तब तक करते चलना है जब तक कि बाबू लास्ट में 0 नहीं आ जाए। कब तक मशीन चलाएंगे? जब तक चलाएंगे लास्ट में 0 नहीं आ जाए। ठीक ठीक सर, अब यहां वाला जो सबसे लास्ट वाला नंबर बच गया, इसी को एचसीएफ कहेंगे। तो एचसीएफ बाबू 10 का 24 का कितना हुआ? 2 होगा, ये नंबर बचेगा। जो शांति से समझना है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो जो बच्चा लिखेगा बाबू, सरस्वती जी आपके ऊपर हैं। एचसीएफ बाबू 10 और 24 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? ठीक सर, तो ये एचसीएफ आंसर होगा? नहीं 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 नहीं, कैसे सर? आपने एचसीएफ निकाला 10 24 का, आपको तो 30 भी कराना है बाबू, भोला मेरा तथागत निश्चल, है ना बाबू? अब जीतू आपको क्या कह रहा बाबू, जीतू भोला विवेक बाबू, 10 24 का 2 हुआ, 38 को छोड़ दोगे? नहीं नहीं नहीं, तो पुनः 30 का कैसे निकालोगे? और भी हमारे पास तरीके हैं, ये आपको स्कूल वाले मेथड बता रहे हैं कि नहीं आ रहा बारिया? ठीक सर, तो 10 24 का एलसीएम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक सर, अब पुनः जो एलसीएम एचसीएफ आया, ये 2 जो आया, इसको 30 से डिवाइड करना। किससे करोगे? जो एचसीएफ आएगा 3 को नंबर थे, इसको 30 से करना, है ना? ठीक सर, तो 2 को कैसे करोगे भोला? 30 से करोगे निश्चल तथा। ठीक, अब 2 का टेबल पढ़ो 30 लाओ। आए सर हमको नहीं आता, एक ही बार में 2 के टेबल 1 टाइम में 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घटेगा तो। डिवीजन तो आता है ना सारे बच्चे को जी, इस बच में वही बच्चा जिसको डिवीजन नॉर्मल सबट्रैक्शन आता है, अगर जिसको नॉर्मल डिवीजन सबट्रैक्शन नहीं आता तो उसके लिए शाम में व्यवस्था है ना? तो 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में 2, घटाएंगे 1, ऊपर वाला 0 लाएंगे, ऊपर वाला 0 लाएंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ो 15, 10 हो गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 बच गया, रुक जाना है। तो यहाँ वाला जो लास्ट वाला फाइनल बचता है, यही एचसीएफ होता है। मतलब क्या सर, है ना? एचसीएफ अगर कोई पूछेगा बाबू विवेक भोला,
है ना बाबू जी, तो एसी एफ बाबू किसका? 10 का, 24 का, 30 का, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे वो भी अभी बताते हैं। अभी इसको लिखिए, फिर शॉर्टकट से बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वाला लिखिए, इसको लिखो दीप्तांशु। अब सारा बच्चा लिखेगा, लिखो निधि। अब भगवदीति, तथागत और आरब कहाँ गया? लिखे कार्तिके। देखो तो मेरा बाबू समृद्ध बाबू दो चकिया पे है। अच्छा 194 होगा क्वेश्चन नंबर बाबू 190। आप लोग जैसे क्वेश्चन है यही सीक्वेंस ऑर्डर लिखते चलना बाबू। आरब आर्यन जो भी हो बाबू, समर्थ भोला, ऐसे रे क्या गप कर रही हो जी? दुर्ग अभी नहीं चलेगा, अभी पढ़ाई चलेगा। नेक्स्ट बाबू प्रतीक है जी, कौन कौन बच्चा नहीं है जी? ओमकार है, अनन्या दुर्गा है, अशैतान शिवांश नहीं है, शैतान सनविका बाबू। अब बाबू लीजिए अपना नाम से आना है जी, आरब बाबू, आरब आर्यन लीजेंड के नाम से आते बाबू, अपना नाम से ज्वाइन कीजिए। लिखिए जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। वसुधा, पीहू नहीं है भोला, शिवांश अनन्या, लिखो बाबू, शिवराज। हेलो, हाँ क्लास बोली। हेलो, हाँ जी क्लास जी, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। अच्छा ठीक है, हाला नहीं ऐसा था फालतू का, खाली बहस करने के लिए कौन कर। जिसको नहीं दिख रहा बाबू उसको ग्रुप में भेज रहे हैं। जल्दी लिखे बाबू, लिखे वसुधा, लिखे अदिति, फिर गप कर रही हो अदिति बाबू, ए अधिराज अदिति, फिर गप कर रही हो जी। चलिए सर देखो बाबू शॉर्टकट मेथड बताते हैं, है ना। शॉर्टकट कैसे करेंगे बाबू? याद है तो सर वो वीडियो ऑन करो बाबू। देखो शैतान क्या बाबू, आप सर थोड़ा सा आसान शॉर्टकट मेथड देखो क्या करेंगे। तो आपको बाबू संडे को फैक्टर का कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी का यूज करेंगे हम लोग। देखो बाबू शॉर्टकट मेथड बाबू, है ना। नेक्स्ट भोला, तो ये लॉन्ग डिवीजन, इसके बाद हम लोग फैक्टर मेथड से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? फैक्टर मेथड से। अगला भोला बाबू शॉर्टकट मेथड,
इसी में है। ये शॉर्टकट मेथड क्या होते बोला ये बाबू, आपको टाइम बचाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट कराएंगे, तभी ना कंपटीशन निकलेगा। सर तो देखो क्या बोला, 10 है, 24 है और 30 है कि नहीं सर अभ्यसरया? इसमें क्या करना बाबू, सबसे छोटका नंबर को पकड़ना है, सबसे छोटा नंबर पकड़ो, कौन है सर? है ना, शांति से सुनना बोला विवेक बाबू, अजीतु सैतान और आरब आर्यन, निश्चल बाबू और तथागत, शांति से सुनो, असीब राज सब बच्चा। स्मॉलर नंबर कौन है? ये बोला है सर, स्मॉलर नंबर यही ना है जी, छोटा नंबर पकड़ो। ठीक सर, आप छोटा नंबर पकड़ो तो 10 के टेबल में देखो 24 आता है? नहीं सर, तो नहीं आता है। बोला 10 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है। कल संडे को आपको फैक्टर बताए थे इसी दिन के लिए, 10 का फैक्टर निकालो, मतलब 10 कौन कौन से नंबर से कटता है समर्थ शैतान, 10 मेरा किस किस नंबर से कटेगा, उसी को क्या कहोगे आदित्य स्वरूप, फैक्टर कहेंगे। तो 10 मेरा कौन कौन नंबर से कटता है? 1 से कटता है सर, 2 से कटता है, डिवाइड कौन कौन, किसके किसके फैक्टर, मतलब किसके किसके टेबल में 10 आता है? तो 1 के टेबल में आता है सर, 2 के टेबल में आता है सर, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। हो गया, ठीक बोला। अब आगे क्या करना बाबू, इधर से देखना, यहां से देखो 10 के टेबल में बाबू 24 आता है नहीं ना आता है, तो ये एचसीएफ नहीं होगा। फिर दूसरा नंबर इधर से देखना, इधर से चलना ठीक है ना, अपने मन से इधर उधर मत करना। 5 के टेबल में देखो 10 आता है, हाँ सर, 5 के टेबल में बाबू सम्या 24 आता है, 5 के टेबल नहीं ना आता जी, तो ये भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर तीसरा नंबर देखना बोला, 2 के टेबल में 10 आता है, हाँ सर, 2 के टेबल में 24, हाँ सर, 2 12 24, 2 के टेबल में 30, हाँ सर, 2 15 30 है ना, हाँ सर। तो 2 बाबू ये सारे के टेबल में आ जाता है ना, मतलब सारे को डिवाइड कर रहा है ना, इसीलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा भोला, 2 हो जाएगा, इसीलिए जो एचसीएफ हो जाएगा बाबू कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे बोला, 10 है, 24 है भोला, आरब आर्यन जीतू, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इजी से भी ऐसा। तो आपका दिमाग जितना तेज चलेगा, टेबल वगैरह जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना कैलकुलेशन फास्ट होगा, और जितना ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगा उतना जल्दी रिजल्ट होगा, और जितना जल्दी रिजल्ट होगा उतना पापा मम्मी का नाम रोशन होगा, जीतू पढ़ने में टॉप कर गया, एग्जाम में टॉप कर गया, है ना भोला, कंपटीशन वाला। स्कूल के भरोसे मत बैठिए, स्कूल के भरोसे मत बैठिए भोला, है ना, क्योंकि स्कूल भी आप ही के भरोसे बैठा हो भोला, है ना, ठीक। तो इसीलिए बाबू आपको सारे बच्चों को टेबल कंप्लीट होना चाहिए। हमको नहीं समझ में आया, देखो 2 मिनट सुनो शांति से, शॉर्टकट मेथड से कैसे करोगे, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे आपको कोई बोले बाबू 4 है, 4 है, 12 है और 16 है, इसका कहेगा एचसीएफ, तो मेरा बच्चा सोचेगा नहीं सोचेगा, बहुत सारा तुरंत सोच लिया होगा, तुरंत एकदम क्या करेगा, छोटका नंबर पकड़ेगा, छोटा नंबर कौन है, 4 है। अब देखो 4 के टेबल में 12 आता है, हाँ, 4 के टेबल में 16 आता है, हाँ, तो 4 के टेबल में दोनों आ गया ना, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, चारे आपका एचसीएफ हो जाएगा। इजी से आसान है कि नहीं है? इजी से भी आसान है ना जी, हाँ सर। तो हमारा बच्चा ऐसे एलसीएम रहे, एचसीएफ रहे, ऐसे ही निकालता है बिना कॉपी कलम का, दूसरा बच्चा ऐसे खुज लेते रहता है, कैसे बता दिया, है ना, ठीक। जैसे क्या सर, जैसे समझना है, जैसे मान लो बाबू 3 है, 6 है, 12 है और 50 है, इसका कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो मेरा बच्चा सोचता है, कुछ नहीं सोचेगा, लिख का रहे हो जी, अरे शैतान का लिख रहे हो जी, उठा बेटी करना बाबू, जो जो लिखते हुए पकड़ाएगा उठा बेटी करवाएंगे। देखो प्रिंस कैसे निकालोगे, दुर्गा जी देखो बाबू का लिख रहा जी, तू इसे तंजी तू लिख रहा है जी, कूट देंगे बोला, लिखा पढ़ी कीजिएगा, तो समझाते पहले समझो, अब विवेक कहाँ गया जी,
नीचे का मुंडी का ये हो रहा था बाबू, पनिशमेंट भी मिलता बाबू। वो बाबू बायजू वाला और दूसरा ऑनलाइन क्लास मत समझो, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते पतले हो रहे हैं बाबू, समझते हो जी। 5 बजे 4 बजे से पढ़ाते रहते, अभी रात को 10 11 बजेगा है ना। देखो क्या इसका कहेगा, एससीएफ निकालने के लिए है ना, तो डरेगा नहीं डरेगा, काले डरेगा। देखो कैसे करना, ऐसे करना है ना। कैसे करोगे बाबू, सबसे छोट का नंबर पकड़ना है। आ रहा बाबू, पकड़ लिया है ना, ठीक से। अब छोट का नंबर पकड़ लिया बाबू, अब देखो 3 के टेबल में 6 आता है, छोट का नंबर का टेबल पढ़ना। हाँ सर, 3 के टेबल में 12 आता है। हाँ सर, 3 के टेबल में 15 आता है। हाँ सर, तो 3 ये सारे के टेबल में आ गए ना, तो एससीएफ इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आसान से हम लोग ऐसे ही करते हैं है ना, आसानी से। लेकिन आपको हमको बाबू स्कूल में भी बाबू टॉप करना है, तो हमको सारा मेथड पढ़ाना पड़ता है ना, स्कूल वाले मेथड भी, शॉर्टकट मेथड भी। एग्जाम में भी टॉप करो, स्कूल में भी टॉप करो, सब जगह टॉप करो कि नहीं। जिसको नहीं समझ में आया, वन मोर क्वेश्चन। जैसे क्या सर, 6 है सर है ना सर, 15 है सर है ना सर, और बाबू क्या है सर, 20 है सर है ना। अब इसका कहेगा एससीएफ, तो मेरा बच्चा छोटका टेबल नंबर पकड़ेगा, छोटका को घेरेगा, घेर दिए सर। 6 के टेबल में 15 आता नहीं आता, 6 के टेबल में 15 नहीं आता नहीं सर। तो क्या करेगा, 6 का फैक्टर निकालेगा, अगर टेबल में नहीं आएगा तो 6 का फैक्टर निकालना है। 6 का क्या करना, फैक्टर निकालना। आप फैक्टर के लिए कल क्लास नहीं करवाए थे, मतलब 6 कौन कौन नंबर से किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 आता है, 3 आता है, 6 आता है ना। हाँ सर, अरे 6 का फैक्टर मतलब 6 किसके किसके टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आता है, 2 आता है, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में आ रहा बार। तो देखो 6 के टेबल में ये सब नंबर नहीं ना रहे, वो 6 के टेबल में 15 नहीं ना रहा, तो ये एस सी एफ नहीं होगा। अब 3 से चेक करना, 3 के टेबल में बाबू 6 आता। हाँ सर, 3 के टेबल में 15, ओ 3 के टेबल में 20 ना, 3 के टेबल में 20 नहीं ना आता है, कहाँ आता, तो ये भी एस सी एफ नहीं होगा। इधर से चेक करना, बड़का से छोटका। फिर क्या करेंगे बाबू, अरे दिया 2 के पकड़ेंगे, 2 के टेबल में 6। हाँ सर, मम्मी तो पढ़ाई भी की थी, 2 3 जा 6, 2 के टेबल में 15 कहाँ पढ़ाई थी, 2 के टेबल में 15 कहाँ आता नहीं ना आता नहीं आता, तो 2 भी नहीं होगा। तो लास्ट में जो बच गया वही एस सी एफ होगा, 1 बच गया ना, तो 1 सबके टेबल में आता, तो 6 15 20 का एस सी एफ मेरा बच्चा कितना होगा, 1 हो जाएगा। समझिए अदिति, अदिति। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो इसी तरह से हम लोग एस सी एफ निकालेंगे, तो इसी क्वेश्चन को देते हैं भोला, फाइंड द एस सी एफ, इसको लॉन्ग डिविजन से भी निकालते हैं सर, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, हमारा नए विश्वास होता, अभी देखा तो 195 नंबर। नंबरिंग बाबू विवेक अशैतन आरब, यही नंबरिंग करना है कॉपी में, जो बोर्ड पे रहता वही नंबरिंग करना रहता। सर मेरा छूट गया, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देकर कवर करवाया जाएगा, टेंशन मत लो है ना बाबू। हम लोग स्कूल वाला सिस्टम नहीं अपनाते बाबू, जो छूट गया वो छूट गया, जो नहीं है ना बाबू, जो छूट गया उसको हम आपको सिखाएंगे। तो 195 नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ बाबू 6 15 20 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो कितना आया आंसर, कितना आया, 1 आया। देखो कैसे करोगे, ऐसे करना, जो जो लिखेगा सरस्वती जी आपके ऊपर हैं, भोला बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। देखो भोला, लिखोगे बाबू समझ में नहीं आएगा, लिखने के चक्कर में तो फिर आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, फिर आप स्कूल में फेल हो जाओगे, फिर बाबू आपको पढ़े में मन नहीं लगेगा, फिर बाबू आपको बाबू गार्जियन प्यार नहीं करेंगे, पढ़े में कमजोर हो जाओगे, तो परिवार वाले भी वो कहेंगे बौधा है ना। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देने से बाबू बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाता, इसीलिए पहले समझो और उसके बाद लिखो। दो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन मन से पढ़ेंगे है ना, ठीक सर।
जिसको नहीं आया बाबू फिर शांति से देखेंगे, जैसे फाइंड द एसी ऑफ 6, 15, 20 है ना बाई लॉन्ग डिविजन मेथड। देखो कैसे करोगे, 6 है भोला, 15 है और 20 है ना। हाँ सर समझना। तो बाबू क्या लॉन्ग डिविजन मेथड, पहले दो गो का फाइंड करेंगे, पहले किसका फाइंड करेंगे, दो का। तो पहले ये दोनों का एचसीएफ फाइंड करो, लॉन्ग डिवीजन मतलब डिवाइड करके, मतलब कैसे डिवाइड करके है ना। ऐसा वैसे तान वीडियो ऑन कीजिए, ठीक उधर ही क्लास चल रहा है द्विवेदी, कुटाई खोज रहे हो जी, काय लिख रहे बाबू, स्वप्निल हो रहा लिख रहे हो जी, शैतान है। ये वो कहाँ गया जी, अरे बाबू ऋषि नयन बहुत खुश है सब बाबू, आप लोग ज्यादा खुशी नहीं बर्दाश्त होता है जी। देखो बोला अरब आर्यन, तो पहले हम लोग दो का निकालेंगे, 6, 15 का कितना होगा टेबल बाबू, डिवीजन करो, 6 2 12 3 होगा। अब यहाँ छोटा नंबर आ गया ना, डिवाइजर से छोटा आ गया, तो फिर सही से लाइन खींचो, आइए बोला को यहाँ लिखना, समझा। बहुत सारा बच्चा यहाँ गलत करता, एक लाइन खींचना 6 को यहाँ लिख देना। अब 3 का टेबल पढ़ो, 6 कितने टाइम में, 2 टाइम में, घटा दोगे घटा दोगे 0 आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता भोला आर्यन अरब बाबू है ना भोला, तो ये जो नंबर बचता यही एस सी एफ होता बाबू, बिट्टू विवेक जीतो, ये जो बचता है एससीएफ यही होता, 3 होता है। एससीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। किसका एससीएफ 3 हुआ, ये तीनों का ना दो का, 6, 15 का एससीएफ 3 हुआ। आपको तीनों का निकालना, तो अगेन एक बार फिर करना, जो एससीएफ आया है शांति से सुनो। यहाँ पे बहुत सारा बच्चा बाबू यहीं पे शुरू कर देता, अभी होमवर्क में जिसको यहाँ पे शुरू रहा ना तो कल आके हम शुरू कर देंगे है ना। ठीक बोला, तो अब क्या करोगे बाबू मेरे, अब शांति समझना। ये जो 3 HCF आया, पुनः 20 से डिवाइड करना, किससे करोगे, 20 से डिवाइड करो, ठीक सर कार्तिक। अब 3 का टेबल पढ़ो, 20 ला, 3 का टेबल पढ़ो, 20 3 6 जा 18 सर वैष्णवदीप, 20 - 18 कितना, 2। अब यहाँ पे बाबू छोटा हो गया ना, यहाँ से छोटा हो गया, तो ऐसे करना है सोम्या, एक बार फिर डिवाइड करना, 2 को किससे, 3 से करेंगे, 1 टाइम में 2 हो गया, ये 1 हो गया, फिर बाबू 2 से ही 1 छोटा हो गया, रिमाइंडर जब तक मशीन चलाते रहेंगे तब तक लास्ट में 0 नहीं आ जाए। फिर इसको करेंगे बोला 1 को किससे करना, यहाँ बोला 2 से अदिति अधिराज, छटपटा रहा अधिराज, कूट देंगे, इससे करेंगे 2 से, तो 1 का टेबल 2 कितने टाइम में, 2 टाइम में, रिमाइंडर 0, बस रिमाइंडर 0 रुक जा। तो ये वाला जो नंबर हो गया यही क्या हो जाएगा, एससीएफ हो जाएगा। इसलिए बाबू मेरे एससीएफ अगर कोई पूछेगा भोला ऑफ कितना, 6 का 15 का 20 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड हो गया सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना। शॉर्टकट मेथड कैसे लिखो फिर से समझाते हैं, लिखिए बोला। कौन कौन बच्चा नहीं है जी, देखो प्रिंस तथागत उधर क्या कर रहे हो जी, उधर ही क्लास चल रहा है तथागत, फेस बाबू कैमरा के सामने कीजिए, लिखो बाबू जी तो विवेक, लिखो रुद्र बाबू, अब मिठी 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 बोल,
जल्दी लिखे जी। जल्दी लिखो ओमकार बाबू, ओमकार कहाँ रह गया जी? लिखे समृद्ध। ओमकार उधर क्या देख रहे हो जी? लिखे वैष्णवदीप बोली प्रतीक गोला आदित्य स्वरूप आरब आर्यन। लिखो बोला कहाँ उठी वसुधा? उठना नहीं है बाबू। कल बल हम लोग पढ़ेंगे बाबू, कल के बाद आप लोग का छठ होगा बहुत बहुत सारे बच्चे का, जिसका छठ नहीं उसका पिटाई होगा। लिखे जल्दी से। देखो सेकेंड मेथड बाबू, शॉर्टकट से कैसे करोगे? लॉन्ग डिवीजन से भी एक ही आए बाबू, और शॉर्टकट से भी कैसे आएगा? वह नहीं आएगा सर। कैसे सर? ऐसे सर। आ जो जो छोटा छोटा बच्चा है बाबू, आपका जो जो छोटा भाई है 2-3 का है ना बाबू, चाचा का चाची का, तो बहुत सारे गार्जियन का डिमांड है बाबू छोटे बच्चे के लिए क्लास स्टार्ट करना। तो दिन में कभी स्टार्ट करेंगे बाबू, जैसे मिट्टी हो गई, शिवराज का भाई सौरिया हो गया, ये सब छोटा छोटा बच्चा, तो ये सब के लिए बाबू है ना, है ना, नया बैच स्टार्ट करेंगे बोला। टाइम बताएंगे कैसे है नहीं है, छठ के बाद से करेंगे। बड़ा बच्चा का इसमें, छोटा बच्चा का दोपहर में, शाम को 4 से 5 कर देंगे। नेक्स्ट बाबू 2 का 3 का उसमें रहेगा है ना, इसमें जो जो पढ़े का बाबू कमजोर है उसको दोपहर में भेज देंगे भोला, जो जो ठीक ठाक है उसको ठीक ठाक को रखेंगे है ना, तेज बच्चा को इसमें, कमजोर बच्चा को दूसरे बैच में, उसको भी तेज करेंगे। देखो बाबू शॉर्टकट मेथड कैसे। ठीक सर, तो क्या आपको बोला बाबू? 6 है सर, 15 है सर, 20 है। तो बच्चा मेरा छोटका नंबर को पकड़ेगा, कौन है छोटा नंबर? 6 है, देखेगा 6 के टेबल में आ जाएगा तो यही SCF होगा। 6 के टेबल में कौन आता? नहीं ना आता, तो 6 का बच्चा फैक्टर निकालेगा। 6 का फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स क्या होते हैं? 6 किसके किसके टेबल में आते हैं? 6 जिसके जिसके टेबल में आएंगे अदिति, फिर उधर बगला बनल अदिति, आप अदिति अभी मोस्ट वांटेड हो, इधर का देख रही थी जी। ठीक, 6 किसके किसके टेबल में आते हैं? 6 जिसके जिसके टेबल में आते हैं, तो 1 के टेबल में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 6 में आते हैं। अब क्या करना है श्रेया सरभ्या प्रीसा बार? देखो 6 को पकड़ो, 6 का टेबल में 6 आता है, हाँ सर, 6 के टेबल में 15, इधर बड़का नंबर पकड़ना है प्रीसा। अभी भी शैतान कमजोर हो गई पढ़े में, अभी सबको बाबू बच्चा वाला क्लास में ठेल के भेजेंगे। इसके टेबल 15 आता आता तो ये SCF नहीं होगा। फिर 6 के बाद अगला देखेंगे 3। 3
थ्री के टेबल में 6, हाँ, थ्री के टेबल में 15, हाँ, थ्री के टेबल में 20, ये नंबर ये सारे में आना चाहिए, नहीं ना आता 20, तो ये भी नहीं होगा। बहुत दुख, अगला देखो, रोते हुए टू को घेरो, टू के टेबल में 6, हाँ, टू के टेबल में 15, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में जो बच जाएगा 1, तो वो तो होता ही है, 1 के टेबल में 6 भी 15 भी है इतना, इसलिए HCF ऑफ 6 का, 15 का, 20 का कितना होगा? 1 होगा। इजी है कि नहीं है? लिखो आप लोग, मेरा बच्चा धीरे धीरे लगता है तेज हो रहा, भूमि भी तेज हो रही, और गप करे और गया, आओ ना कूटते हैं। वसुधा कहाँ गई जी? वसुधा कहाँ भागती है? बोली मेरा बच्चा है भंडारी करता काम। जल्दी लिखो जी, है ना? हाँ सर, जल्दी लिखिए, समझ में आ जाता है जी? तू आरब आर्यन, अभी अनम्यूट नहीं होगा, बोला बच्चा सब हल्ला करता है, और सूत के लिख रहा है जी, शैतान आरब बाबू विवेक, हाथ को बाबू मोबाइल में नहीं पकड़ना, हाथ टेबल पे रख दीजिए। अरे खुश है जी, दोनों गोल का खुश है, गोल मटोल है विवेक का जी। तो जल्दी लिखे बाबू, नेक्स्ट बोला देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझेगा। हो गया, चलो आप लोग का टाइम भी होने वाला बाबू, है ना? बोला रहने देते, बोला कल हम लोग पढ़ेंगे होमवर्क, बोला इसको अभी सारा बच्चा बना लेगा। फाइंड द HCF, इसको अभी बनाएगा, और जिस जिस बच्चे का बाबू नहीं होमवर्क आएगा तो कान उल्टा पकड़ के उठा बैठी। हम लोग बाबू आपको पढ़ाएंगे ज्यादा, होमवर्क देंगे कम, स्कूल की तरह नहीं कि एक बार बर्डन दे दिए बैठ के, है ना? वैसा नहीं बोला, हम लोग एंजॉय कर कर के पढ़ेंगे। फाइंड द HCF ऑफ बाबू, है ना? हाँ सर, 8 का है बाबू, 18 का है बोला, और 28 का है, दोनों मेथड से निकालना है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन एंड शॉर्टकट, दोनों मेथड से सीखेगा मेरा बच्चा, बाय लॉन्ग डिवीजन एंड शॉर्टकट, दोनों मेथड से, विवेक तो एकदम खुश है ना विवेक, अजीतू भी खुश है, वेरी गुड बोला, ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं किया ऑनलाइन क्लास से आज तक, पहले से आते तो और तेज हो जाते।
फाइंड द एसीएफ ऑफ भोला मेरा। टेन का, 25 का और सबका इतना बाय लॉन्ग डिवीजन। बाई लॉन्ग डिवीजन एंड शॉर्टकट मेथड। अभी बना लो। अभी बना लीजिए जी। अथर्व तिवारी की हाल क्या है चाल द्विवेदी।